रानीबाग स्थित एचएमटी घड़ी फैक्ट्री के निरीक्षण के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी से कारखाने के पूर्व कर्मचारियों के एक शिष्टमंडल ने भेंट करते हुए अपनी समस्या से अवगत कराया। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें वीआरएस के नाम पर प्रबंधन ने ठगा है। एक सर्कुलर निकाले जाने के बाद भी उन्हें कंपनी के प्रबंधन द्वारा न्यूनतम मुआवजा दिया गया है। अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं पूरा मामला कोर्ट पे होने के कारण सभी को राज्य के मुखिया पर ही उन्हें भरोसा है। कर्मियों का कहना है कि पूर्व में दिए गए मुआवजे के आधार पर ही उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इधर सीएम धामी ने इस मामले में कर्मचारियों को ढांढस बंधाया और कहा कि उद्योग मंत्री से वार्ता करके इस समस्या का हल निकालने के लिए प्रयास करेंगे और कर्मियों की समस्याओं का निस्तारण शीघ्र किया जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हमारे एचएमटी में आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो यहाँ पे जो हम बीआरएस का जो स्कीम थी उसके तहत हमको बिना नोटिस दिए जो बाहर कर दिया गया, 144 लोग हैं उनको जो है बाहर कर दिया गया है, जो कि बिना नोटिस दिए हुए किसी भी कर्मचारी को बाहर नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ के मैनेजमेंट ने हमें इसे एक खाली एक रिक्रूटमेंट करके जो है बाहर कर दिया गया है।